5C पर टेन का प्रश्न सातवां सवाल है। यदि देखिए x बराबर दिया है 380 बटा 1 प्लस टी की घात 3 और y बराबर दिया है 380 स्क्वायर बटा 1 प्लस टी की घात 3। इसमें क्या ज्ञात करना है? dy बाई dx ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पहले ये लिखा है सॉल्व करेंगे तो x बराबर 380 बटा 1 प्लस टी की घात 3। अब इसमें t दिया है तो इसको t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा? t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर लिखेंगे d बाई डी टी, यहाँ x हो जाएगा d बाई डी टी और इसको लिखेंगे 380 बटा 1 प्लस टी की घात 3। तो देखिए इसमें अंश बटे हर वाला नियम लगेगा। ऊपर अंश है और नीचे क्या है? हर। तो इसका नियम क्या होता है? हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर और बटा हर की घात 2। ये होता है। तो अब इसको रखते जाएंगे, अंश के बदले रखेंगे, अंश के बदले हर के बदले 380, तभी हो जाएगा आपका 380 डी बाई डी एक्स, हर के बदले लिखेंगे 1 प्लस टी की घात 3, इसको कोष्टक में लिखेंगे, माइनस देखिए इसको ये लिखना है, ये हर हर के बदले क्या लिखना है? 1 प्लस टी की घात 3 लिखना है, डी बाई डी एक्स अब अंश के बदले लिखना है 380, माइनस फिर से अंश के बदले लिखना है 380 डी बाई डी एक्स, हर के बदले लिखना है 1 प्लस टी की घात 3। अभी पूरे का बटा हो जाएगा 1 प्लस टी की घात 3, चूँकि हर का स्क्वायर है तो इसमें क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अभी होगा ये 1 प्लस टी की घात 3 वैसा ही रहेगा, जिसके सामने डी बाई डी एक्स उसी का अवकलन होता है। अब इसका चूंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ टी लिखेंगे डी बाई डी टी, डी बाई डी टी यहाँ टी लिखेंगे। देखिए 3a अचर राशि है, अचर राशि क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? एक होता है। क्लियर हुआ इतना? तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 380 वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए एक का अवकलन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर टी घात 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो याद रखिए ये 3 सामने में आ जाएगा, फिर टी लिखेंगे, 3 में एक कम करेंगे तो 2, एक से घात एन वन लगाना है, एन एक्स एन माइनस 1 बटा ये हो जाएगा 1 प्लस टी की घात 3, ये पूरे घातों ये वैसा ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए इस 3a का इस 1 में गुणा करेंगे तो 3a होगा, फिर इस 3a का गुणा इसमें करेंगे तो 380 की घात 3 होगा, माइनस शून्य और इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। तो अब इसका और इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9a। देखिए इसमें t की घात 2 है, इसमें t की घात 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। नीचे को तो वैसे ही लिखते जाना है, 1 प्लस t की घात 3 पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, ये 3a हो गया। देखिए इसमें 380 की घात 3 थी, a t की घात 3 दोनों एक जैसे हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो असमान चिन्ह क्या है? घट जाएगा। तो 9 में से 3 क्या हो जाएगा? 6a t की घात 3, 9 बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस बटा, नीचे को वैसे ही लिखना है। अब देखिए इनमें से कॉमन निकाल देंगे तो कॉमन क्या निकलेगा आपका? देखिए इसमें 3a कॉमन निकल जाएगा, तो 3a कॉमन निकलेगा, निकालेंगे तो यहाँ एक बचेगा, 3a कम 3, यहाँ 3a निकल गया तो कितना हो जाएगा? जैसे 6a है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3a गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2t की घात 3, तो 3a निकल गया तो क्या बचा इसमें? 2t की घात 3 बचा। क्लियर हुआ? 3 दूनी 6a t की घात 3, नीचे को वैसे ही लिख देना है,
वन प्लस टी की घात तीन पूरे का स्क्वायर, ये किसका मान है, ये डी एक्स बाई डी टी का मान है। अब इसको छोड़ दीजिए, अब नेक्स्ट हल करेंगे वाई वाला। देखिए वाई का मान दिया है वाई बराबर 380 स्क्वायर बटा वन प्लस टी की घात तीन। अब इसे भी क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न वाली है, इसलिए ध्यानपूर्वक इन सब सवालों को आपको बना के देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, यहाँ भी लिखना है डी बाई डी टी, ये 380 स्क्वायर बटा वन प्लस टी की घात तीन। इसमें भी सेम अंश बटे हर वाला नियम लगाना है, अंश बटे हर, तो क्या हो जाएगा हर डी बाई डी डी आई डी बाई, चूंकि ये टी वाला है अब डी बाई डी टी लिख देंगे, डी बाई डी टी अंश माइनस अंश डी बाई डी टी हर, इसमें आपको रखना है। तो देखिए यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका हर के बदले सेम वैसे ही रखेंगे वन प्लस टी की घात तीन डी बाई डी टी, अंश के बदले लिखना है 380 स्क्वायर, फिर अंश के बदले लिखना है 380 स्क्वायर डी बाई डी टी, हर के बदले लिखना है वन प्लस टी की घात तीन, फिर पूरे का बटा हो जाएगा वन प्लस टी की घात तीन होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ से होगा ये वन प्लस टी की घात तीन वैसा ही रहेगा, जिसके सामने डी बाई डी टी है उसका अवकलन हो जाएगा। तो देखिए 3a अचर राशि है तो उसको अलग से लिख लेंगे, टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे, क्लियर है। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक, दो सामने में आएगा, t दो में से गया एक, फिर ये वाला तो सेम वैसा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एक का अवकलन होगा आपका जीरो, और ये टी की घात तीन होगा, तीन सामने में आएगा, टी लिखेंगे तीन में से एक कम किए दो, इतना होगा 3t का स्क्वायर। नीचे को वैसा ही लिख देना है वन प्लस टी की घात तीन पूरे का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो गया, तीन दूनी 680, इसका गुणा इसमें होगा, तो 680 का गुणा एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा 680 होगा, और ये 680 का गुणा इसमें करेंगे देखिए कितना होगा 6a, टी की घात तीन है, टी की घात एक है, तो तीन और एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। माइनस देखिए शून्य और इसको जोड़ेंगे उतना ही आएगा, तो अब कोष्टक है तो गुणा हो जाएगा, तो तीन तीन कितना हो जाएगा 9a, देखिए टी की घात दो है, टी की घात दो है, तो दो और दो कितना हो जाएगा 4। बटा ये हो जाएगा आपका वन प्लस टी घात तीन पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 6t वैसा ही रहेगा, देखिए इसमें ए टी की घात चार, ए टी की घात चार दोनों एक जैसे हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो घट जाएगा, नौ में 6 कितना बचेगा 3, ए टी की घात चार, नौ बड़ा इसलिए माइनस, नीचे को वैसे ही लिखते जाना है वन प्लस टी की घात तीन का ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से देखिए कॉमन निकलेगा, तो कॉमन आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा इसमें से 380 निकलेगा, जैसे कि आप यहाँ देखिए ये जो 680 है यहाँ से ये हो जाएगा आपका, 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा आपका 380 कॉमन निकलेगा, इसमें से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, 3 दूनी 680, यहाँ से 380 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका टी की घात 3 बच जाएगा, बटा ये हो गया वन प्लस टी की घात तीन स्क्वायर। कैसे हुआ, देखिए यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार, जैसे ये 6 है तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 380 गुड़ा 2, तीन दूनी 680 होगा, इसको लिख सकते हैं 380 गुड़ा टी की घात तीन, तो तीन और एक 4 हो जाएगा, तो कॉमन क्या निकलेगा आपका 380 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें 2 माइनस इसमें क्या बच जाएगा टी की घात 3, क्लियर हुआ। ऐसे आपको कॉमन निकालना है। अब ये किसका मान है, ये आपका मान है डी वाई बाई डी टी का मान है, अब इसको रख देना है, इसलिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा डी वाई बटा डी टी, फिर ये बटा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, तो मान रख देना है
डी वाई बाई डी टी का मान यह है 3at कोष्टक में 2 - t³ बटा 1 + t³ पूरे का स्क्वायर। देखिए पूरे का भाग है तो यहाँ पर मैं लगाया तो ये बड़ा वाला भाग ऐसे लगा दे रहा हूँ, नीचे में लगाओ चाहे ऐसे लगाओ दोनों मतलब एक ही है। अब dx by dt, तो जो dx by dt है उसका मान आया आपका ये वाला है, ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका मान dx by dt का मान ये है, इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 3a, यहाँ पर लिखेंगे 3a कोष्टक में हो जाएगा आपका 1 - 2t³ बटा 1 + t³ पूरे का स्क्वायर। ये t का मान है इसको रखेंगे ये वाला dx by dt का मान। अब देखिए यहाँ से जो कटेगा उसको कटा देंगे तो जो बड़ा भाग है उसको गुणा में बदलेंगे तो नीचे को ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो यहाँ से आप समझ लीजिए ये नीचे नीचे जो एक जैसे है ना ये दोनों कट जाएगा, ठीक। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको बच जाएगा ये हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा बराबर क्या बचेगा इस पर देखिए 3at कोष्टक में 2 - t³ इसके बटा में आ जाएगा ये वाला आ जाएगा 3a 1 - 2t³। तो देखिए 3a कट जाएगा तो क्या बचा उस ऊपर में t, ये बच गया ऊपर में बच गया t कोष्टक में 2 - t³ बटा 1 - ये हो गया 2t³। ये क्या है इसका आंसर। यहाँ से इसको और डिटेल में समझ जाए तो इस प्रकार देख लीजिए इसका, जैसे यहाँ से जैसे और जैसे ये बताया ना जैसे ये जो नीचे जैसे बड़ा भाग को आप गुणा बदलते हैं, जैसे ये पहले से लिखा है 3at 2 - t³ बटा ये 1 + t³ पूरे के स्क्वायर, बड़ा भाग को गुणा बदलते हैं नीचे वाला ऊपर चला जाता है 1 + t³ पूरे के स्क्वायर और ये कहाँ आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, क्लियर हुआ। ये दोनों क्या हो गया कट गया ठीक, और ये दोनों बचा, इसको आपको याद रखना। इसी प्रकार आपका सवाल जो है जो प्रश्न इसका 8वां है सेम इसी प्रकार बनेगा, आप इसको बनाकर देख सकते हैं बहुत ही आसान है।